नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुष आरती में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जो है हम शिकागो वक्तृता से आपके लिए जो है कुछ सीरीज बनाएंगे, ये मैंने आप लोगों को कहा था। तो इसमें से मैं आज इस पहली भाग में जो है आप लोगों को जिस विषय में बता रहा हूँ, ये भक्ति योग में भी स्वामी विवेकानंद ने जो है इसके चर्चा किए हैं, और शिकागो वक्तृता में यानी कि अमेरिका के धर्म महासभा में जाकर भी जो है उन्होंने इस विषय के ऊपर भाषण दिया था। तो वही जो है मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। विषय है अहेतु की भक्ति, अर्थात जो है किसी भी प्रकार के कोई कारण से जो है जो भक्ति नहीं की जाती है, ईश्वर के प्रति केवल प्रेम जो है, अनंत प्रेम को जो है अहेतु की भक्ति कहा जाता है। इस बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना। शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों, केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है, और उसके निकट यही प्रार्थना करना उचित है। न धनं न जनं न च सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वर भगवद् भक्तिर हैतुकी त्वयि। हे भगवान, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना संतति, ना विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही देह की मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। भगवान श्री कृष्ण के शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर उस समय भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से चुत कर दिया था, और उन्हें अपनी सम्राज्ञ के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। वहाँ एक दिन सम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, नाथ, आप इतने धार्मिक हैं कि लोग आपको धर्मराज कहते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी, देखो ये हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इस पर प्रेम करता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं देगा, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु पर प्रेम करता हूँ, और इसी कारण मैं उस पर प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार मैं ईश्वर पर प्रेम करता हूँ। वो अखिल सौंदर्य समस्त सूषमा का मूल है, वही एक ऐसा पात्र है जिस पर प्रेम करना चाहिए। उस पर प्रेम करना मेरा स्वभाव है, अर्थात जो है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि स्वभाव से प्रेम करना, अर्थात जो है ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की कोई कामना या कि कोई विषय होने के कारण प्रेम नहीं, वही जो है सच्चिदानंद सुंदर स्वरूप है, तो इसी कारण से प्रेम, अर्थात केवल प्रेम के लिए ही प्रेम, प्रेम के स्वभाव से ही प्रेम करना, यही जो है अहेतु की भक्ति का मूल है। प्रेम करना मेरा स्वभाव है, और इसलिए मैं उस पर प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे, मैं तो उस सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करता चाहता हूँ। मैं प्रेम से ये सौदा नहीं कर सकता है। वेद कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, वो केवल पंचभूतों के बंधनों में बंध गई है, और उन बंधनों के टूटने पर वो अपने पूर्व के पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था में ये वैसे वेदांत की जो आत्मचिंतन का विषय है, ये उसी का तत्व है दोस्तों, कि ब्रह्म स्वरूप हर आत्मा ही जो है पूर्ण ब्रह्म है, वो केवल पंचभूतों में ही जो है वो बंधे हुए हैं। इसीलिए हम जो है ये जो पूजा आदि हम करते हैं, ये पंचभूत पंच प्राण का ही जो है प्रतीक है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि उस क्रिया को करते करते ही हमें जो है अपने बंधन को मिटाना पड़ता है, पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था का नाम मुक्ति है। इसका अर्थ है स्वाधीनता, अपूर्णता, जन्म मृत्यु आदि व्याधि से छुटकारा। आत्मा का
ये बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और उसकी दया शुद्ध पवित्र स्वभाव वाले लोगों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। जब उसकी कृपा होती है तब शुद्ध और पवित्र हृदय में वो आविर्भूत होता है। तो शुद्ध और पवित्र का अर्थ यहाँ पर हम लोग केवल बाहरी शुद्धता और पवित्रता को सोचते हैं। बाहरी शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, पर यहाँ पर मूलतः जो है कहा गया है हृदय की पवित्रता। शुद्ध और पवित्र हृदय में वो आविर्भूत होता है। विशुद्ध और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। तब उसकी इस समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तब वो कार्य कारण के भयानक नियम के हाथ का खिलौना नहीं रह जाता है। यही हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत है, यही उसका असल भाव है। हिंदू शब्द और सिद्धांतों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता। यदि इस साधारण वैश्विक जीवन के पड़े और भी कोई अवस्था है, कोई अतिंद्रिय जीवन है, तो वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। इसीलिए हिंदू धर्म का अगर आप मूल देखेंगे, अगर सिद्धांत देखेंगे, तो द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद से लेकर अद्वैत में प्रतिष्ठित होना, यानी कि ईश्वर की तरफ जाना, केवल जो है एक जीवन पद्धति को जीना जो है वो हमारा हिंदू स्वभाव नहीं है, हमारा सनातन स्वभाव नहीं है, जो कि आज हम लोग बहुत ज्यादा केवल मात्र उस चीज में ही बंधते जा रहे हैं, यानी कि इस बंधनों में ही हम जो है बंधते जा रहे हैं। पर ये दूसरे धर्म आदि में है दोस्तों, लाइफस्टाइल को ही केवल मात्र धर्म मानना जो है, पर हिंदू धर्म में जो है केवल लाइफस्टाइल में ही नहीं, बल्कि जो है जीवन से ऊपर, यानी कि आप इस जीवन में जो है जन्मे हैं, उस जन्म मृत्यु के पड़े जो है ईश्वर है, उस ईश्वर को प्राप्त करना ही जो है वो सबसे बड़ा सत्य है। यही हिंदू सिद्धांत है, यही जो है मूलतः हिंदू सिद्धांत है दोस्तों। यदि उसमें कोई आत्मा है जो जड़ वस्तु नहीं है, यदि कोई दयामय सर्वव्यापी परमात्मा है, तो वो उसका साक्षात्कार कर लेना चाहता है। यही जो है हिंदू मूल सिद्धांत है दोस्तों, कि सर्वव्यापी परमात्मा है तो वो उसका साक्षात्कार कर लेना चाहता है। कारण ईश्वर के, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, कारण ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही उसकी समस्त शंकाएं दूर होगी। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है कि मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। इसीलिए वेदांत की सिद्धांत अगर आप देखेंगे, हमारे कोई भी शास्त्र में अगर आप जाइए, वेद, वेदांत और तंत्र, मैं इन तीनों के विषय में ज्यादातर कहता हूँ, क्योंकि जो है यही जो है श्रुति आधारित है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा, आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और जो है अपने आत्म को, आत्मत्व को जो है पहचानना। अगर आप अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो आप अपने ब्रह्म स्वरूप के जो है दर्शन कर अवश्य पाएंगे, क्योंकि वो आपके भीतर ही विराज रहे हैं दोस्तों, आपके आत्मा में ही विराज रहे हैं। यही पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है, यही पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है कि आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। भिन्न भिन्न मत मतांतरों या फिर सिद्धांतों पर विश्वास करने के एक प्रयत्न हिंदू धर्म नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का मूल मंत्र है मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास होना और तद्रूप बन जाना। अर्थात ये जो हमारे इतने सारे मत आदि है, इतने सारे विश्वास आदि के चलते हम पूजा आदि करते हैं, इतने सारे पद्धति आदि है, ये सारी चीजें जो है मूल नहीं है, इसका उद्देश्य मूल है, ये जो है हमें ईश्वर तक लेकर चलता है, ये मूल है दोस्तों। ये सारे विधि आदि, सिद्धांत आदि, ये यहाँ पर मूल नहीं है, मूल यहाँ पर इसका उद्देश्य है। यही विषय जो है ज्यादातर हम समझ नहीं पाते हैं और झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे मत से जो है दूसरे मत का झगड़ा चलता रहता है, पर मूल विषय यही है यहाँ पर। अतः हिंदू की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यावसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उसके दर्शन कर लेना।
अपनी देवत्व की उन्नत अगर आप नहीं करेंगे तो आप देवता तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे आप देवता की साक्षात्कार करेंगे दोस्तों, जब आप जो है देवत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के मूलतः देवत्व को प्राप्त करना ही है। हम ज़्यादातर जो है फंसे रहते हैं, देखिएगा हमारे खासकर जो है पुराण के, देखिए पौराणिक धर्म में कई सारे लौकिक विषय, कई सारी सामाजिक विषय आए हैं, पर उसमें जो है जो मूल सिद्धांत है वो कुछ बदला नहीं है, पर हम उसे नहीं देखते हैं। हम केवल जो है कौन किसके स्त्री है, कौन किसके पति है, यही विषय में हम लोग केवल मात्र जो है फंस जाते, क्योंकि वो हमारा मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। हम समाज में रहते हुए इस प्रकार से जो है धर्म से जुड़े तो रहते हैं, पर पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए देवत्व में अपने आप को उन्नत करना जो है बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तभी जो है आप जो है ना, मतलब समाज आदि से पड़े जाकर तभी जो है आप ईश्वर के साक्षात कर पाएंगे। ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ईश्वर की सतत अध्यावसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उसके दर्शन कर लेना और इस प्रकार ईश्वर सान्निध्य को प्राप्त होकर उनके दर्शन कर लेना, उन सर्वलोक पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना, यही असल में हिंदू धर्म है। अर्थात ईश्वर तक जाना हमारा मूल उद्देश्य है। केवल समाज में कुछ विधि आदि पालन करना हमारे हिंदू या सनातन धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है। ये विषय जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद धर्म महासभा में बोल रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर जो है, तो सोचिए कितनी गहरी विषय है ये। धर्म महासभा में जो है हिंदू धर्म के विषय में, सिद्धांत की, हिंदू सिद्धांत की मूलता के विषय में बता रहे हैं, जबकि हम लोग जो है इसके दूसरे ही पहलू को लेकर फंसे रहते हैं। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है, तब वो असीम आनंद का जीवन व्यतीत करता है। वो अन्य समस्त लाभों की अपेक्षा उत्कृष्ट लाभ स्वरूप परमानंद धाम ईश्वर को प्राप्त करके परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। जब आप ईश्वर में ही रम जाते हैं, जैसे मीराबाई ईश्वर में ही रम गए, वो अपने कृष्ण में रम गए, वो उनके लिए कोई शोक ताप, वो राज रानी है, वो क्या है, ये कोई मायने वहां पर रखता ही नहीं है। ईश्वर में वो रम गए हैं, परम आनंद में है वो। परम आनंद को जब उन्होंने प्राप्त ही कर लिया है तो क्या राज्य, क्या रानी, क्या शोक, क्या ताप। मीराबाई के जीवन में बहुत सारे शोक ताप आए, मीराबाई के जीवन में बहुत सारे जो है विषय आए, पर मीराबाई के जीवन में ऐसा कोई जो है, मतलब कोई विषय जो है उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि वो परम आनंद में प्रतिष्ठ है। उन्हें निरानंद कैसे कोई कर सकता है जैसे जब वो परम आनंद में जो है प्रतिष्ठित है। साधक का जो है मूल, जो साधक होते हैं, साधक का यही विषय होते हैं, वो समाज से ऊपर चले जाते, अपने ईश्वर के साथ जो है लीन हो जाते हैं दोस्तों। इस विषय में सभी हिंदू एक मत है। भारत में भिन्न भिन्न पंथों का इस विषय में एक ही मत है, परंतु अब बात यह है कि तूर्य अथवा निर्विकल्प अवस्था का ही नाम पूर्णावस्था है, और ये निर्विकल्प अवस्था तो एकमेव अद्वितीय और गुणातीत है, जिसमें व्यक्तित्व कदापि नहीं कर रह सकता है। अर्थात जो है उसमें आपका नाम आदि ये सारे विषय नहीं रह सकता, उसमें ईश्वर आपके है, आप ईश्वर के है, केवल यही भाव रह सकता है। निर्विकल्प समाधि का मतलब लोग केवल समझते कि समाधि में बस बैठ जाना आंखें बंद करके, नहीं, केवल जो है ईश्वर का हो जाना, ईश्वर का हो जाना, वहां पर जो है ईश्वर है और आप है। एक बांग्ला में एक गाना आता है जिसका अर्थ है केवल माँ है और मैं हूँ। राम प्रसादी गाना है, श्यामा संगीत है, मातृ संगीत है, मतलब माँ है और मैं हूँ और कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण की पूरा जीवन ही इसी तरह से बीता है कि माँ है और मैं हूँ। तो वहां पर ही जो है ये निर्विकल्पता आता है दोस्तों। ईश्वर, केवल ईश्वर, ईश्वर के वही पर परमानंद जो है वो होता है। अतः जब आत्मा पूर्णत्व को, इस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब वो ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाती है, तथा द्वैत ज्ञान से रहित हो जाने के कारण वो स्वयं ही स्वत्व स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप हो जाती है। अर्थात जो है द्वैत बोध नहीं रहता है। द्वैत बोध का अर्थ क्या है? द्वैत बोध जो है
मतलब बहुत सारे विषयों के साथ जुड़े रहना। असल में हम द्वैतवाद यानी कि पहले पहले हम बहुत सारे मूर्तियों की पूजन करते हैं, विग्रहों की पूजन करते हैं, अर्थात हम जो है कई शक्तियों को जो है अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं और इस विषय को ही अपने मन में भी धारण करते हैं। जब इन सारे विषयों से मुक्त हो जाते हैं, एक और अद्वितीय हो जाते हैं ईश्वर में जो है, तब जो है पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। ये एक दिन की कोई विषय नहीं है या फिर एक जन्म की भी विषय नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अद्वैत को जान लिया है, बिल्कुल संभव ही नहीं है, इतने जल्दबाजी में बिल्कुल संभव नहीं। कई समय मुझे कुछ लोग मेल करते हैं, हम इस अवस्था के विषय में किन्हीं किन्हीं पाश्चात्य दार्शनिकों के ग्रंथों में बारंबार पढ़ा करते हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है। इससे उन पंडितों की एक अनभिज्ञता दिख पड़ती है। देखिए, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया इस विषय में कि लोग सोचते कि केवल आंखें बंद आदि करके जो है केवल जड़ता को प्राप्त करना ही निर्विकल्प समाधि है, तो स्वामी विवेकानंद स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं इससे उन पंडितों की, उन पाश्चात्य दार्शनिकों की जो है अनभिज्ञता, मतलब वो अभिज्ञ नहीं है इस विषय के बारे में जो है, दिख पड़ती है। क्योंकि जिन्हें चोट कभी नहीं लगी है वे ही चोट के दाग की ओर हंसी की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात जिनको जो है सच में चोट नहीं लगी है, जो पूर्ण ही नहीं है, वो पूर्णत्व की तड़प जो है वो किस तरह से जो है बढ़ेंगे दोस्तों, मतलब पूर्णत्व को वो कैसे महसूस करेंगे। पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए जो है पूर्णत्व की प्राप्ति करना, पूर्णत्व में उन्नत होना जो है बहुत जरूरी होता है। स्वामी विवेकानंद जो है अहेतुक भक्ति के बारे में धर्म महासभा में इस विषय को बताते हैं। तो अहितु की भक्ति के बारे में उन्होंने यही कहा है। मूलतः यहाँ पर जो विषय उन्होंने कहा है कि हे भगवान, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना संतति, ना विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्र बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं, केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। यानी कि ईश्वर को केवल स्वभाव से ही प्रेम करना, किसी कारण से नहीं, यही जो है अहेतु की भक्ति है दोस्तों। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो वक्तृता में जिस विषय के, अहेतु की भक्ति के विषय में जो है जो कहा था धर्म महासभा में, वो मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।